रहमान रहीम, इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की टॉप स्टोरी, सैमसंग दुनिया की जो मारूफ ब्रांड है, पाकिस्तान के अपने एमडीज जो उनके साथ कारोबार से मुंसलिक है, आज कहाँ खड़े हैं। नंबर दो पर आपको बताएंगे कि 2021 में तेज़ी से तरक्की करता हुआ डिस्ट्रीब्यूशन इदारा कौन सा है। तो चलते हैं अपने टॉप स्टोरी की तरफ। पाकिस्तान में दुनिया की मारूफ ब्रांड सैमसंग जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर, 5 डिस्ट्रीब्यूटर के तवस्सुत से एमडी के साथ कारोबार जारी रखे हुए है, पाकिस्तान दुनिया की तरह पाकिस्तान के तमाम सूबों में यकसर मकबूलियत रखने वाली मारूफ ब्रांड है सैमसंग। लेकिन बदकिस्मती से सिस्टम के तहत जो उनके साथ एडजस्ट हैं एमडीज, वो इन दिनों बड़े सख्त परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि इनका एक टारगेट दिया जाता है, जिस टारगेट को मुकम्मल करने में बहुत सारे जहां दीगर मामला चलते हैं, वहीं पर ही दीगर मामला इस किस्म के कि अपनी वो सेल की एक्टिवेशन दिखाएं और 70% जो है वो जो ख़रीदारी की है उसका कम से कम 70% जो है वो आपको एक्टिवेशन भी शो करना पड़ेगा, जिसके 22 एमडी जो है वो सख्त ज़हनी अजियत में हैं। सबसे बड़ा मसला उस सैमसंग के साथ ये है कि सैमसंग अपना डिस्ट्रीब्यूटर उनके जो खड़े हैं वो ये स्टॉक ना होने की वजह से एमडीज को फराहम नहीं कर सकते। माल की कमी जो है वो उनके जो टारगेट है उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। होता ये है कि हर माह यही मामला चलते हैं। गुज़िश्ता माह की आपको मैं स्टोरी पहले ब्रेक कर चुका हूँ कि उसके अंदर जो टारगेट तकरीबन लोगों के मुकम्मल कराए गए थे, उसमें जो उनका A52S था उसमें बहुत बड़ा हाथ था। उसकी कहानी जो अपनी जगह खड़ी है वो मैं आपको बाद में किसी वक्त गोशे गुजार करूँगा, लेकिन इस वक्त जो हमारा असल मौजू है वो ये है कि टारगेट एमडीज कैसे मुकम्मल करें। उसकी वजह ये है कि काम में, कारोबार में मंदी का बढ़ता हुआ रुझान, इसके अलावा एमडीज को माल की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर की तवस्सुत से जो आप यानी इदारा सैमसंग देता है उसमें खलल, और मतलूबा तादाद में जो है माल न मिलना सबसे बड़ी रुकावट है। अगर किसी एमडीज का टारगेट 2 करोड़ रुपए है और वो अपने 50 लाख रुपए लगा चुका है जो माल उसको मिला, या 1 करोड़ लगा चुका है, वो टारगेट मुकम्मल करने में अब सिर्फ चंद दिन रह गए हैं जो यकीनी तौर पर नाकाफ़ी हैं। उसकी वजह यह है कि एक बड़ा टारगेट, माल की सप्लाई ना होना, फिर कस्टमर्स, फिर एक्टिवेशन। एक्टिवेशन करना ज़रूरी है, ख़रीदारी करना ज़रूरी नहीं है। ख़रीदारी के साथ एक्टिवेशन शो भी करने से मसला हल होता है इदारे के तवसुस। खैर, वो उनकी अपनी पॉलिसी है और सही होगी अपने हिसाब से, जो भी हम उस पर एतराज़ नहीं कर रहे। लेकिन एतराज़ सबसे बड़ा ये है कि जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें मार्केट की हर रोज़ ये इत्तला, एक गुज़िश्ता एक हफ़्ते से हम सुन रहे हैं हमारे एमडीज जो है और डिस्ट्रीब्यूटर ये कह रहे हैं कि माल आने वाला है, माल आने वाला है, कल स्टॉक दिया जाएगा, परसों स्टॉक दिया जाएगा। वो एमडीज डिस्ट्रीब्यूटर से रजू कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से रजू करता है। अब कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी मामला है, लेकिन हमारे जो एमडीज हैं वो कंपनी के ज़रिए रابطہ करते हैं। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ हमारे दोस्त जो है वो फ़ोन अटेंड नहीं करते, कुछ जो है वो उनको प्रॉपर मालूमात नहीं होती, अगर वो अटेंड भी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स जितनी उनके पास मालूमात कंपनी की तरफ से आती है वो फराहम करते हैं। उनको ये कहा जा रहा है मुसलसल कि आपका स्टॉक जो है वो मिलने वाला है। और ये भी यहाँ बताता चलूँ आपको यहीं कि पाकिस्तान में सैमसंग ने सबसे बड़ा अपना जो असेंबलिंग प्लांट नष्ट किया था, उसको महीने की 7 तारीख को, दिसंबर को देने का फैसला किया गया था, जो इत्तला थी। उसके बाद वो गुज़िश्ता, हमें जो इन्फॉर्मेशन है कि गुज़िश्ता दिनों उसका स्टॉक भी दिया गया 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो जिस तादाद में दिया गया वो बेहतर समझते हैं, लेकिन वो नामालूम वजूहत की वजह से अभी तक एमडीज को सप्लाई नहीं किया जा सका। इत्तला ये है कि शायद कल यानी 28 दिसंबर को एमडीज के हवाले कर दिया जाएगा। तो उनको बहुत शॉर्ट टाइम लगेगा उसको एक्टिवेशन करने में। अगर उनको माल नहीं मिलता तो ऑटोमेटिक जिसने 1 करोड़ रुपए लगाया ये तो काट पीट के देते हैं,
लोगों को तो एक पर्सन रखते हैं, अगर वो नहीं मतलूबा तादाद में गया तो एक पर्सन तो वैसे ही वो ऑलरेडी उनका कम हो जाएगा एक्टिवेशन ना होने की वजह से। दूसरी बात, वो टारगेट मुकम्मल नहीं करेंगे। अगर 1 करोड़ लगाया तो इसका मकसद ये हुआ कि बाकी जो एक्सेस पैसे मिलने हैं, एक्स्ट्रा पैसे जो उनको मिलने हैं वो उनको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ जिसने 1 करोड़ का काम किया उसे 2 लाख का, 2 से 2 लाख का झटका तो लग ही जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं तो अगर 1% वो भी लगाया जाए तो 3 लाख का झटका लगेगा, 3 लाख का लॉस करेगा। अगर किसी ने कारोबार करना है, अगर वो लॉस में ही करना है तो फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा? हल्के 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 करके लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं। इदारे को चाहिए इस पर खसूसी तवज्जो दे, और इस महीने जो दिसंबर का महीना है इसके लिए स्पेशल, जो आज यानी आज हम बैठे हुए हैं और कल भी इत्तलात हैं बारिशों से कारोबार मुतासिर होगा, तो उसके तहत जो है इनका टारगेट जो है वो इत्तलात ये है कि माल ना होने की वजह से उनका 20 से 25% इत्तलात हैं, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 25% टारगेट कम कर दिया जाए तो ये नाकाफ़ी होगा। हमारे ख्याल में कंपनी को इस पर सीरियस इस माह सोचना चाहिए, क्योंकि साल का आखिर है, बैंकों को भी पेमेंट जमा करानी है, अपने जो भी अकाउंट्स है उसको अपडेट करना पड़ता है, अकाउंट्स के हिसाब से पेमेंट जमा करानी पड़ती है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि इसका कम से कम आपको 50% टारगेट कम कर देना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि 50% बहुत यानी कम हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको 40% यानी 60% का टारगेट रखना चाहिए, 40% रिड्यूस कर दे, 50 से 40 से 50% तक रिड्यूस होना चाहिए ताकि उनको नुकसान ना हो जिन लोगों ने कारोबार में अपने पैसे लगा भी दिए हैं, एक्टिवेशन भी कर दिए। ये एक अलहदा कहानी है, एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, लड़ाई झगड़े किस तरह होते हैं, ये मैं आपको तफसीली खबर एक आइंदा वीडियो में दूँगा, लेकिन ये भी इत्तलात ये गर्दिश कर रही हैं। और एक जो है इसमें कहाँ तक सदाकत है कहाँ तक नहीं है कि कुछ उहदों पे रद्दबदल किया जाने का इम्कान है। लोगों की कंप्लेंस जो हो रही हैं इस पर, मुझे हैरत इस बात पर होती है कि MDs की शिकायतें डिस्ट्रीब्यूटर को पहुँचती हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने मामलात को, बात तो सही है उनका ताल्लुक नहीं है, कंपनी जो देगी वो उनको देंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस मैटर को आगे बढ़ाएं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से भी दरख्वास्त है, बड़े मारूफ इदारे इस सैमसंग के साथ काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं सब, कंपनी से भी हमारे रबते बड़े मजबूत हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अच्छे लोग बैठे हुए हैं सैमसंग इंतज़ामिया में भी, जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है और वो इस बात को समझती है कि कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है। तो प्लीज़ इस महीने के लिए इनके टारगेट को आपने रिड्यूस करना है ताकि उनको माली नुकसान ना हो। अगर खुदा ना करे उनको माल नहीं मिला, आपने टारगेट कम ना किया, तो लाखों रुपए का एक एक दुकानदार को MDs को झटका लग जाएगा, इस हिसाब से करोड़ों रुपए का नुकसान होने का खदशा है हमारे MDs को। इसी के साथ जब माल नहीं होता तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी नुकसान होता है, ये बात आप भी समझ सकते हैं और हम जैसा भी समझता है कि डिस्ट्रीब्यूटर माल देगा तो उसकी भी 2 पैसे की आमदनी होगी और MDs जब माल बेचेगा तो उसको भी 2 पैसे की आमदनी होगी, तो एक चेन है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर और MDs के ज़रिए चलती है। प्लीज़ इस पर तवज्जो दें सब मिलके और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के तवस्सुत से काम करते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है पाकिस्तान में अपनी ब्रांड भी चलाने की कोशिश करते हैं और चला भी रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जिस तरह बड़े नाम लिए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, कुछ नाम जो ऐसे हैं जो लोगों के लिए आम से हैं, मतलब उनके कान मानूस हैं उन नामों में, उन नामों के अंदर एक नाम है यूनाइटेड मोबाइल, जिसने 2020 और 2021 में तरक्की की नई मंजिल तय की। ये माली साल 2021 कारोबार के लिहाज से 2020 के मुकाबले में निस्बतन कम रहा और इसमें कारोबारी मंदी बढ़ गई, जबकि 2020 कोरोना की वजह से, वबा की वजह से मुतासिर था, इसके बावजूद उसमें कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन 2021 में इस कारोबार के अंदर मंदी का रुझान बढ़ गया सेल के मुकाबले में।
इसी तरह बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुस्तकबिल के मंसूबे, बहुत सारी कंपनियों के मुस्तकबिल के मंसूबे पॉज कर दिए गए, रोक दिए गए, ताकि वो आगे की तरफ बढ़ा दें, यानी 2021 की तरफ। लेकिन जब 2020 का ग़ुरूब हुआ सूरज और 2021 का तुलू हुआ, तो यूनाइटेड मोबाइल के लिए एक बेहतरीन साल के आगाज़ के तौर पे तुलू हुआ, और इस साल इसमें जो तरक्की हुई उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो इनके चेयरमैन अशरफ मछियारा यूनाइटेड मोबाइल के जो चेयरमैन हैं उनका, और साथ में ये कहना अमले का भी हाथ है इसी के साथ दीगर लोगों को, लेकिन ये कहना कि इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है, जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की रिसर्च है और जो मुशाहिदा किया गया है, इसमें इनके सीईओ फैसल मोती का बहुत बड़ा हाथ है, जिनकी बहसीत सीईओ चार्ज संभालने के साथ ही इसमें तरक्की की नई मंजिलें तय करना शुरू कर दी। सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद तेज़ी से उसमें इजाफा होना शुरू हुआ। सैमसंग से पहले टेक्नो और अपनी ब्रांड वॉइस वो ऑपरेट करते थे यूनाइटेड मोबाइल, लेकिन जब सैमसंग के बाद उन्होंने वन प्लस लिया, वन प्लस के बाद जो है उन्होंने मज़ीद तरक्की के लिए जेड टी ई का इंतखाब किया, उसके बाद जो है वो क्यू मोबाइल की जो है डिस्ट्रीब्यूशन हासिल की, उसी के साथ अब जो है उन्हीं के ज़ेले इदारे, मतलब उन्हीं की तवस्सुत से, उन्हीं के मामलात के साथ रियल मी की डिस्ट्रीब्यूशन भी हासिल हो गई है। ऑलरेडी इसी इदारे में उनका विनिस जो मोबाइल सिस्टम है वो भी चल रहा है। अगर देखा जाए तो इस साल जो है यूनाइटेड मोबाइल शामिल हो गया है उन नाम ब्रांड नेम्स में जो पाकिस्तान में सरगर्दा डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ ब्रांड्स की रखते हैं, जिनमें अगर बड़े नाम आपके सामने हैं, कोई मल्टीनेशनल इदारा है तो इसके पास 7-8 वो हैं, लेकिन इस वक्त इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो अपने इदारे के तवस्सुत से रखते हैं वो भी काबिले तारीफ है। इसकी तरक्की में जहां अल्लाह की मेहरबानी का अमल दखल सबसे बड़ा है, उसी के साथ इनकी जो टीम है उसमें जो इनके मैंने आपको बताया फैसल मोती हैं, इसी तरह जो है वो अब जो देखा जाए हमजा रशीद साहब हैं उनके डायरेक्टर चेयरमैन के बाद, और इसी तरह अगर देखा जाए इनके आसिफ जाफरी साहब हैं अपना, इसी तरह जो है मंसूर हसन साहब हैं, इसी तरह शाहिद भाई हैं, इसी तरह हाफिज़ फरहान हैं, और इनकी दीगर टीम्स जो काम कर रही है इसमें महबूब भाई भी शामिल हो चुके हैं, और बड़ा माशाल्लाह उनका अमल दखल तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फैसल मोती साहब को जो इस बुनियाद पर कि वो अगर देखा जाए एक सीईओ की हैसियत से जो उन्होंने अपना कारोबार में तरक्की दी है यूनाइटेड मोबाइल के नाम को, उसी तरह उन्होंने सर्विसेज में भी अपने जो सर्विसेज सेंटर हैं पाकिस्तान में तौसी दी और मुख्तलिफ इदारों के साथ काम कर रहे हैं, अभी क्यू मोबाइल की भी सर्विसेज उनके ही पास आ गई है, इसी तरह और मज़ीद भी ये तरक्की की तरफ गामजन होने जा रहे हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक नए माली साल में यानी 2022 में जो है ये मज़ीद कुछ ब्रांड अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए 2021 की टॉप जो डिस्ट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ इदारों की हासिल करने में, तो बज़ाहिर इस वक्त यूनाइटेड मोबाइल है। यूनाइटेड मोबाइल को हम मुबारकबाद देते हैं कि और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन इदारे मुख्तलिफ दुनिया भर की ब्रांड्स को अपने साथ लिंक के साथ ले कर चलें, लिंक से मिल कर चलें और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करके लोगों के रोज़गार में इजाफा करें और तरक्की की नई मंजिलें पाकिस्तानी आवाम में हासिल करें। हमारी दुआ सबके लिए है और हम जो है वो हर अच्छे काम की तारीफ करते हैं। इंशाल्लाह बेहतर दुआओं के साथ सब इदारों को फिर मिलेंगे ज़िंदगी बखैर इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।